हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैग वो कैसे लगाएं जो टैग हमारा ट्रेंड कर सकता है, वायरल हो सकता है। जो दोस्तों आप देखते हो कि कोई जो हमारा टैग होता है एक नंबर ट्रेंड कर रहा है, कोई दो नंबर पे, ऐसे करके, तो दोस्तों कैसे होता है, कोई उसका ट्रिक है कि क्या है, मतलब किस तरह से हम अपने टैग को ट्रेंड करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज उसी पे हम बात करने वाले हैं, तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा मैं आपको एक अपना वीडियो दिखाता हूं अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर, तो वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों, उसमें बहुत सारा मेरे ख्याल से 4 या 5 टैग जो हमारा ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों कि जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा एक वीडियो है, उसपे 1 2 3 4 5 6 दोस्तों 6 टैग जो है इस वीडियो में ट्रेंड कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये 6 जो है टैग ट्रेंड कर रहा है। अगर जैसे आप ये 6 टैग, मतलब कोई भी अगर YouTube पे सर्च मारता है ये टैग से, जैसे मान लो मारता है नए यूट्यूबर क्या गलत करते हैं, ये अगर सर्च कोई मारेगा तो उसको 6 नंबर पे मेरा वीडियो नजर आएगा। और दोस्तों अगर कोई मारता है जैसे कि नए यूट्यूबर क्या गलत सोचते हैं, अगर ये कोई सर्च मारता है तो उसको मेरा नंबर 1 पे वीडियो दोस्तों नजर आएगा। आपको दिखा देता हूँ कि एक मिनट, जैसे इसमें क्या लिखा है, नए यूट्यूबर क्या गलत सोचते हैं, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये कोई सर्च मारेगा तो उसको मेरा ये नंबर, ये वीडियो है 1 नंबर पे नजर आएगा। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो मैं यूट्यूब खोल लिया, इसमें मैं सर्च करूंगा नए यूट्यूबर क्या गलत सोचते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं सर्च मारता हूं तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो ये मेरा है वीडियो 1 नंबर पे आ चुका है, ये फर्स्ट मतलब रैंक कर रहा है 1 नंबर पे। तो दोस्तों क्या होगा, जैसे कि आपका जैसे जो टैग ट्रेंड करता है ना, तो वो टैग जो ट्रेंड करता है तो वो जितना नंबर वहां लिखा होता है ना, तो आपको उतने नंबर पे वीडियो आता है। अगर आपका कोई जो सर्च मारता है, वो जो है कि कीवर्ड कोई सर्च मारेगा वो कीवर्ड, तो आपका जितना नंबर पे वो वीडियो जो वहां टैग दिखता है उतने नंबर पे वीडियो आता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो मैंने ये नए यूट्यूबर क्या गलत सोचते हैं, तो अभी अगर आप सर्च करोगे तो ये मेरा नंबर 1 पे आपको मेरा ही वीडियो मिलेगा। आप कोई भी जैसे, और दूसरा भी टैग दिखा देता हूं आपको, नए यूट्यूबर क्या गलती करते हैं, ठीक है, नए यूट्यूबर क्या गलती करते हैं, अगर आप ये सर्च मारोगे तो आपको मेरा वीडियो जो है 6 नंबर पे आएगा। उसको मैं आपको दिखाता हूं, आपको नए यूट्यूबर क्या गलती करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं सर्च मारता हूं तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, यहां पे ये 6 नंबर पे ये वीडियो आ गया मेरा, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो, इसको बोलते हैं जो है कि टैग ट्रेंड करना, तो इसको बोलते हैं टैग ट्रेंड करता। दोस्तों ये होता कैसे है, आप जैसे कोई वीडियो बनाते हो ना, उसका टैग लगाते हो ना, तो टैग लगाने से मैं आपको बताता हूं क्या पहले ट्रिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप कोई वीडियो बनाते हो ना, तो उसको पहले आप अनलिस्टेड करके अपलोड किया करो। जैसे आप वीडियो कोई अपलोड करते हो ना, तो आप यूट्यूब ऐप से करो या फिर जो है क्रोम से करो, तो उसको पहले अनलिस्टेड करके किया करो, ठीक है। तो मान लो जैसे मैंने कोई वीडियो अनलिस्टेड किया है, अपलोड कर दिया, ठीक है। अपलोड करने के बाद दोस्तों उसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं अभी, वही वीडियो आपको दिखा देता हूं जो हमारा ट्रेंड करता है। जो दोस्तों देखते हैं इसमें व्यूज भी ज्यादा आता है, जो ट्रेंड हमारा कट जाता है ना टैग, उसमें व्यूज आपका ज्यादा आता है। और दोस्तों ये है कि हमेशा आपका इसमें व्यूज आएगा, कोई भी अगर सर्च मारता है 1 साल बाद 2 साल बाद तब भी आपका जो है व्यूज आएगा, क्योंकि वो नंबर 1 पे रहेगा, 2 पे रहेगा, तो लोग उसको ज्यादा देखते हैं, नीचे स्क्रोल कम करते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हो आप, जो ये मैंने लगाया हुआ है टैग किस तरह से लगाया हुआ है, जैसे अनलिस्टेड, तो आपको जैसे बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे जैसे आप वीडियो अपलोड करते हो ना, तो यहाँ पे पब्लिक होता है, इसको पहले अनलिस्टेड करके किया करो, अनलिस्टेड करो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब टैग लगाते हो आप, तो टैग लगाने से पहले इतना बहुत सारे टैग देख सकते हो आप, इधर मैंने लगाया हुआ, ठीक है। और इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी टैग लगाया हुआ है, अभी दिखाता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में भी जैसे ये सब देख सकते हो, यूट्यूब रॉन्ग थिंकिंग, यूट्यूब टिप्स फॉर बिगिनर, ये सब भी आपको लगाना है टैग, ठीक है।
ये टैग लगा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ जो मेन टैग लगाते हो आप, नए यूट्यूबर क्या गलती करते हैं, जैसे जैसे कि मेरा ट्रेन करता है, तो दोस्तों उसको लगाने से पहले आपको यूट्यूब में जाना है। आपको जैसे दोस्तों यूट्यूब में जाओगे ना, तो आपने जो टॉपिक पे वीडियो बनाया है ना, आपको वो टॉपिक पे वीडियो सर्च मारना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मान लो कि टैग, जैसे यूट्यूब क्या गलत सोचते हैं, यूट्यूबर जो है क्या गलत सोचते हैं, तो जैसे मैंने माना यहाँ पे यू ट्यूबर क्या गलत सोचते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कि जल्दी कोई भी टैग मैच नहीं किया, ठीक है, कोई भी जल्दी इसमें टैग मैच नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका चांस बन जाता है कि जैसे टैग मैच नहीं किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो है सर्च में आने का ज्यादा संभावना रहता है। देखो जितना ज्यादा कम उस पे टैग रहेगा, उतना ज्यादा आपका जो है संभावना ट्रेंड करने का जो है कि टैग का ज्यादा होता है। और दोस्तों आपको ये भी करना है, और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप देख सकते हो 2 नंबर पे आ रहा है। और दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, सारा ऐसे यूज मत करना, नहीं तो आपका व्यूज नहीं आएगा। आपको एक दो जैसे कि अलग से एक्स्ट्रा डालना है उसमें टैग, जो नहीं हो यूट्यूब पर, मतलब यूट्यूब पे कम टैग हो, ठीक है, वो डालना है, एक दो दो तीन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों कि इसमें जो है, और इसमें से ट्रेंड वाला भी डालना है। ट्रेंड वाला कैसे, जैसे कि मान लो कि नए यूट्यूबर सेट, 1 मिनट, कुछ गलत हो गया, 1 मिनट दोस्तों। यहां पे जैसे आपको टाइप करना है नए नए यूट्यूबर, ठीक है, नए यूट्यूबर। अब इसमें आप देख सकते हो दोस्तों कि क्या करें, नए यूट्यूबर क्या गलती करते हैं, ठीक है, और नए नए यूट्यूबर को क्या करना चाहिए। जैसे इस तरह के टैग आप देख सकते हो दोस्तों, आपको ये वाला भी टैग डालना है, क्योंकि दोस्तों आपका ये टैग भी वायरल हो सकता है और सर्च में इससे ज्यादा आता है। तो आप उसमें क्या करो कि दो तीन जो होता है ना यूनिक डाल दो, अपने दिमाग लगा के, तो अपने हिसाब से, जो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। आप जैसे कोई सर्च मारे तो आपका जैसे कि वो वीडियो आने का संभावना ज्यादा हो, दो चार अपना यूनिक लगा दो उसमें। उससे क्या होता, मैंने ऐसे ही किया है, जैसा कि आपको दिखाया मैंने कि बहुत सारे जो है कि टैग मेरा ट्रेंड कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, दिखा देता हूँ आपको कितने सारे जो है ट्रेंड कर रहे हैं, देख सकते हो आप, नए ये 6 6 2 6 1 2, इतने सारे ट्रेंड कर रहे हैं मेरे, बहुत सारे, क्योंकि मैंने यूनिक थोड़ा सा सोचा, इस तरह का जो है टैग यूट्यूब पे था नहीं, तो मैंने अपने दिमाग से लगा के इस तरह से, क्योंकि ऐसे भी लोग सर्च मारेंगे आने वाले टाइम में, या मारते भी होंगे शायद, कम वीडियो मिलता होगा उसमें। तो जैसे कोई भी नया यूट्यूबर होता है जरूर सर्च मारेगा नए यूट्यूबर क्या गलती करते हैं, ताकि वो भविष्य में नहीं करे, ऐसा लोग सर्च जरूर मारेंगे आने वाले टाइम में, और लोग मारते भी होंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो कम था, इसके वजह से जो है कि मुझे सजेशन में टैग नहीं मिल रहा था, नए यूट्यूबर क्या गलत सोचते हैं। ये देख सकते हो, ये नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है मेरा, अगर कोई भी टाइप करेगा तो ये जो है कि नंबर 1 पे आएगा। तो दोस्तों मैंने बताया कि आपको जैसे जो जो भी आप लगाते हो ना टैग, तो पहले आपको जो है कि उसको अनलिस्टेड कर देना है। अनलिस्टेड करने के बाद आपको यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब ऐप में जाने के बाद आपको सर्च मारना है अपने टॉपिक के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया कि क्या गलत सोचते हैं, इस तरह के टाइप करने, और अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको जो है उसमें सर्च मारना। उसके बाद दोस्तों जो ट्रेंड कर रहा होगा उसमें से 2 4 इकट्ठा करना है आपको, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना, कॉपी करके लिख देना है। उसके बाद दोस्तों अपना हिसाब से, अपने दिमाग लगा करके 2 4 उसमें और डाल देना है, ताकि जो यूनिक हो वो, और कोई ना डाला हो वो टैग, तो वो आपका ट्रेंड करेगा। सो दोस्तों ये आप डिस्क्रिप्शन में भी यूज कर सकते हैं, इस तरह के आपको डिस्क्रिप्शन में भी टैग डालना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एसईओ उससे कंप्लीट हो जाता है। एसईओ जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो यूट्यूब पे वीडियो वायरल होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आप ये चीज जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देना और टैग में भी डाल देना। तो दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा किस तरह से आप यूनिक जो है कि टैग ला सकते हो यूट्यूब के लिए, अपने वीडियो के लिए, और किस तरह से आपका वीडियो जो है ट्रेंड कर सकता है आपका टैग, और यूनिक कहाँ से कैसे लाना है आपको मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।